बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर आर्ट्स एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, तो मैंने वहाँ पे ये आप सबके लिए व्लॉग बनाया है। और इस टाइम जो हूँ मैं हूँ वो पार्किंग एरिया में, तो ये बाहर से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए व्यू लिया है, क्योंकि रात का टाइम है और रात के आई थिंक कि 10 से 10:30 बजे का टाइम था। और यहाँ पे इतनी पार्किंग पे बाइक्स, कार्स और गाड़ियाँ थी, जो देख के मैं बड़ा हैरान हो रही थी कि इस टाइम पे इतना रश हो। तो जी माशाल्लाह मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था वहाँ पर। और अभी हम ये इंटर हो रहे हैं पार्किंग एरिया से, हम थोड़ा बाहर को आ गए हैं और अब हमें अंदर की तरफ जाना है। तो जी मैं यहाँ पे रश देख रही थी, यहाँ पे लंगर भी हो रहा था, लंगर का इतना ज़्यादा यहाँ पे एहतमाम था क्योंकि अभी उनका उर्स गया है, तो उनका जो सालाना उर्स होता है वो भी चल रहा था। तो जी ये अभी हम इंटर हो गए हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक मतलब शॉप सेंगी, यहाँ पे काफ़ी सारी चादर की, जो लोग यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं उनके मज़ार पर आकर, फूल वगैरह जो होते हैं यहाँ पे वो सब कुछ है। और बाहर से ये देखें कितना हसीन माशाल्लाह खूबसूरत सा लग रहा है उनका मज़ार, बहुत अच्छी सी लाइटिंग हुई हुई है। और यहाँ ये चादरें हैं, फूल हैं, जो भी लोगों को फातियाँ करवानी होती हैं वहाँ पे ये हर चीज़ अवेलेबल होती है। बाहर रोड की साइड्स पर भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बट हमने अंदर से ली चादर। और यहाँ पे लंगर जो लोग करवाते हैं, उनके चाहने वाले जो भी होते हैं, मतलब लंगर करवाने वाले, अल्लाह पाक ने जिन्हें इतना दिया हुआ है कि वो आते हैं और यहाँ पे लंगर करवाते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से ये लंगर खाने का भी इंतज़ाम है। आप यहाँ पे ऑर्डर देकर लंगर की देगें तैयार करवा सकते हैं। और यहाँ लंगर भी हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारी देगें थीं, तो जी यहाँ पे रश भी लगा हुआ है, लोग उनके चाहने वाले उनके लंगर भी करवाते हैं और लोग लेते भी हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जी यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का जो सेक्शन है अंदर इंटर होने का मज़ाक के लिए, वो थोड़ा अलग अलग होता है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे होती है थोड़ी सी चेकिंग, तो जी बैग्स वगैरह चेक करवाने के बाद हम हो गए हैं इंटर। और यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर भी इतना रश था। और यहाँ पे पूरी वॉल्स पर जो है अस्माउल हुस्ना जो है वो उसके फ्रेम लगे हुए हैं दीवार में, बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये मार्बल है, इतना ठंडा हो रहा था। और ये जो लोग बाहर से दूर दूर से रुकने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए जगह बनाई हुई है कि अगर वो दिन में होंगे तो धूप ना आए, इस वजह से बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये शटर जो है वो करा हुआ है, लोग यहाँ पे बैठते हैं रुकते हैं इसके लिए। और बस ये अभी हम इंटर हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ स्पेशली जो कराची से बाहर रहते हैं, तो वो यहाँ पे आएँ और देखें किस तरह से ये हमने जी। तो ये है अंदर ऊपर जाने का मज़ार के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं, और यहाँ पे बहरिया टावर बना हुआ है। ये कराची की सब ऊंची इमारतों में से कोई एक इमारत है जो बिल्कुल मज़ार के बिल्कुल सामने ही है। तो जी मैंने ये भी लिया। और ये वॉल्स पे आप देख सकते हैं सारे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस टाइम यहाँ पे भी लंगर हो रहा था। और आप लोगों को एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना होगा, जो यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं या आ भी चुके हैं, अपने बच्चों का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि मैं इतनी देर यहाँ पर रही तो 2 से 3 अनाउंसमेंट जो हैं वो मैंने बच्चों की सुन ली थी कि किसी की बेटी गुम हो गई है, किसी का बेटा गुम हो गया, जो छोटे बच्चे होते हैं इधर उधर हो जाते हैं। तो जी अपने बच्चों का लाजमी ख्याल रखिएगा, उनका हाथ पकड़ के रखिएगा, क्योंकि रश इतना होता है बच्चे इधर उधर हो ही जाते हैं। मगर वहाँ पे इंतज़ामिया अच्छी है, फौरन ऐलान होता है और काफ़ी सारे वहाँ पे गार्ड्स भी हैं जो ख्याल करते हैं और बच्चे मिल भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस ये हम ऊपर आ गए थे मज़ार पर, और अंदर हम ज़्यादा शूट नहीं कर सके क्योंकि अलाउड नहीं था, तो जितना भी मेरे से हो सका वो मैंने यहाँ पे शूट कर लिया है। और मैं अपनी सिस्टर और ये मेरे भांजा भांजी हैं, इनके साथ मैं आई थी मज़ार पे। फिर बस ये भी हम अंदर इंटर हो रहे हैं, जो उनका मज़ार है अंदर, वहाँ पे चादर चढ़ाई और फिर हम वापस नीचे उतरने लगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकी शूट, जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लिया है। ये और स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, तो जी बस यहाँ पे मैं जो हूँ शूट नहीं कर सकी इतना ख़ास, मगर जितना कर सकी आप लोग वो देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और ये देखें कितना प्यारा अंदर ये फानूस जो है झूमर लगा हुआ है,
बहुत अच्छा लग रहा था। बस हमने वहाँ पे हाज़िरी दी और फिर ये ऊपर का कुछ इस तरह से बना हुआ है, लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे माशाल्लाह रश था और ये 11 बजे का टाइम हो चुका था और तब भी लोग जो हैं वो अपने घरों से आ ही रहे थे मज़ार पे। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही थी दिल से कि उनके चाहने वाले कितने हैं, लोग इतनी दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे। आप देख सक रहे हैं हम लोग नीचे उतर रहे हैं तो लोग कितने सारे ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं और स्ट्रेट्स इतनी कंफर्टेबल हैं, आप आराम से आना जाना कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून वाली जगह है, बहुत ही मज़ा भी आ जाता है इतना रश देखकर। और वहाँ पे नारे भी लग रहे थे या अली के, क्योंकि मुहर्रम भी चल रहा है। मैं मुहर्रम की फ़र्स्ट मुहर्रम का ये व्लॉग है और यकुम मुहर्रम को मैं वहाँ गई थी। तो बस ये अब हम नीचे उतर आए हैं और अब हम बाहर की तरफ जाएंगे। देखें कितना खूबसूरत इनका माशाल्लाह मज़ार है। कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करने, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें, सबकी परेशानी। जी तो फ्रेंड्स, फिर किसी एक अच्छे ब्लॉग के साथ फिर से मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।